सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो हमारा पॉलिटी का नेक्स्ट लेक्चर जिसका नाम है ट्रेंडिंग ऑपरेशन, सो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो इसकी सबसे पहले डिफिनीशन देखेंगे। ओके, आखिर ट्रेंडिंग जो ऑपरेशन होता है आखिर ये है क्या। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, सो स्टार्ट कर देंगे। देखिए, ट्रेंडिंग ऑपरेशन एक नए पौधे के रीजेनरेट होने हो जाने के बाद उसके वृद्धि तथा विकास के लिए रीजेनरेशन से हार्वेस्टिंग तक जो क्रियाएं की जाती हैं उसे हम ट्रेंडिंग ऑपरेशन कहते हैं। यानी कि जो ट्रेंडिंग ऑपरेशन है ये हमारा रीजेनरेशन के बाद हमारा किया जाता है। ओके, रीजेनरेशन के बाद किया जाता है यानी कि रीजेनरेशन जब हमारा प्लांट सो जाता है उसके बाद हम उसके हार्वेस्टिंग तक यानी कि ट्रीज के हार्वेस्टिंग तक जो भी हम प्रोसेस करते हैं, जो भी हम गतिविधियों का यूज करते हैं उसको हम ट्रेंडिंग ऑपरेशन कहेंगे। एग्जांपल के लिए देखिए, एग्जांपल के लिए बता दिया है जैसे वेडिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, थिनिंग हो गया। ओके, ये सब हमारा ट्रेंडिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आता है। सबसे पहले वेडिंग के बारे में देखेंगे, आखिर वेडिंग क्या है। वेडिंग का मतलब होता है निराई। क्या होता है? वीडिंग का मतलब होता है निराई। ओके, देखिए, जब फॉरेस्ट या नर्सरी से सीडलिंग स्टेज में उगे हुए अवांछित पौधों को निकाल देते हैं तो उसे हम वीडिंग कहते हैं। वीडिंग का मतलब क्या है? जो अवांछित जो पौधे होते हैं उनको निकालना ही हमारा वीडिंग कहलाता है। ओके, इसमें भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे हमारे मैकेनिकल मेथड्स हो गए, बायोलॉजिकल मेथड्स हो गए, केमिकल मेथड्स हो गए। ओके, ये हमारे वीडिंग के हमारे मेथड्स है। मैकेनिकल मेथड्स में हम खुरपी का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करेंगे? खुरपी का हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, गांधी जी का खुरपी का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल मेथड्स में हम कवर क्रॉप्स का यूज़ करते हैं, चेक ड्रम का यूज़ करते हैं, तो इन सब का यूज़ करते हैं। एंड केमिकल मेथड्स में जो हमारे 2,4-D होते हैं या फिर 2,4-5 डाइक्लोरोफिनॉल एसिटिक एसिड का भी यूज हम करते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए हैं वीडिंग क्या होता है एंड वीडिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्लीनिंग। ये भी हमारा ट्रेंडिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आता है। क्लीनिंग क्या होता है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्लीनिंग जो है ना, क्लीनिंग एक अच्छा वांछित व स्वच्छ इंडिविजुअल पौधा प्राप्त करने के लिए उस पौधे के अवांछित भाग को कट करके निकाल देते हैं, जिससे उस पौधे के ग्रोथ को इंटरफेस ना करें। इंटरफेस का मतलब क्या है? आपस में लड़े ना या फिर आपस में जुड़े ना, ठीक, आपस में टकराव ना करते हो तो उसको हम इंटरफेस बोलेंगे। या फिर देखा जाए क्लीनिंग का साधारण अर्थ में देखा जाए, क्लीनिंग का जो अर्थ होता है वह यह होता है कि जो पौधे के जो इंडिविजुअल जो पार्ट होते हैं, ठीक है, तो उनको हम स्वच्छ करने के लिए हम आपस में जो लड़ने वाली जो शाखाएं होती है उनको कट करके निकाल देते हैं, यानी कि क्लीनिंग कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्लीनिंग। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि वृक्ष तक अपेक्षित लाइट पहुँचाने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लीनिंग का। यानी कि जो लाइट होते हैं ना प्लांट्स में हर एक पार्ट पर या फिर ट्रीज के हर एक पार्ट पर लाइट को पहुंचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? लाइट को पहुंचाने के लिए हम क्लीनिंग का यूज़ करते हैं। ओके, थिनिंग क्या होता है? आखिर थिनिंग क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में थिनिंग्स के बारे में बहुत ही सारे सवाल आते हैं। जैसे देखिए, थिनिंग का मतलब होता है वृक्षों को उसकी अवांछनीय शाखाओं व उसके मूलस्थ भाग से काट देते हैं। देखिए, जो अवांछनीय जो शाखाएं होती है, जो बेकार वाली शाखाएं होती हैं उनको काटना ही हमारा थिनिंग कहलाता है। या फिर देखिए, जो पार्ट्स हमारे सूख जाते हैं या फिर जिनमें डिसीज लग जाते हैं उनमें क्या होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं ना या फिर फल जो होते हैं वो लगते नहीं हैं, इसीलिए हम थिनिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। और थिनिंग में क्या करते हैं, पौधों के उस पार्ट को, अवांछनीय भाग को हम काट देते हैं, अवांछनीय शाखाओं को काट देते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम थिनिंग कहते हैं। ओके,
बेलन की आवश्यकता तब पड़ती है जब वृक्ष अधिक घना होता है, यानी कि जब वृक्ष जो होता है ना वो जब अधिक घना होता है या फिर अधिक घना हो जाए तब हमारा थिनिंग की आवश्यकता पड़ती है। तब हम सटे हुए जो भाग होते हैं तो उनको हम काट देते हैं, वह लाइट व वृद्धि ठीक से नहीं हो पाती है, यानी कि जो सटे हुए भाग होते हैं उन पर लाइट व वृद्धि ठीक से नहीं होती है। ओके, सो नेक्स्ट अगला हम देखेंगे जिसमें हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में। तो थिनिंग के डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में हमारा आता है कि जब किसी अपरिपक्व पौधों को उसके कैनोपी को परमानेंटली डिस्टर्ब किए इस उद्देश्य से कटिंग की जाती है, यानी कि जब किसी अपरिपक्व पौधों को उसके कैनोपी को परमानेंटली डिस्टर्ब किए इस उद्देश्य से कटिंग की जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, थिनिंग बोलते हैं। यानी कि जब ऐसे पौधे जो अपरिपक्व होते हैं उनमें जो कैनोपी होते हैं ना उनको बहुत सारे जो डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर होते हैं उनको डिस्टर्ब करने से रोकने के लिए हम थिनिंग का यूज करते हैं। ओके, सो अगला देखते हैं मेथड ऑफ थिनिंग। थिनिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे देखा जाए तो सबसे पहले हमारा आता है मैकेनिकल थिनिंग। ओके, मैकेनिकल थिनिंग में हमारे यांत्रिक यंत्रों का हम यूज करते हैं, जैसे कटिंग करने वाले जितने भी सामान होते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं ऑर्डिनरी थिनिंग। ऑर्डिनरी थिनिंग में हम साधारण रूप से उसको कटिंग कर देते हैं। ग्रोथ थिनिंग, तो इसमें हम छत्र के रूप में हम उसको आकार दे देते हैं। एंड अगला है हमारा एडवांस थिनिंग। इसमें क्या होता है, एडवांस थिनिंग में हम बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से क्या करते हैं, ट्रीज को कटिंग करते हैं। ओके, सो मैकेनिकल थिनिंग में हमारा क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिकल थिनिंग में हमारा आता है रॉ थिनिंग। तो इसमें प्रथम बार जो वृक्ष व दूसरे व तीसरे वृक्ष को लगाकर अंतराल पर थिनिंग किए जाते हैं, यानी कि क्या करते हैं, इसमें प्रथम बार जो वृक्ष होते हैं वह दूसरे व तीसरे वृक्ष होते हैं उनको लगाकर अंतराल पर थिनिंग करते हैं। अगला आता है स्पेसिंग थिनिंग। अब देखिए स्पेसिंग थिनिंग में क्या होता है, इसमें वृक्षों की बिजलर विधि में वृक्षों को दूर वाली पंक्ति से लेकर कटाई की जाती है, जिससे बिजलर करने में पौधों को स्पेस मिलता है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम स्पेसिंग थिनिंग कहते हैं। अगला है ऑर्डिनरी थिनिंग्स, जिसमें हम प्रारंभिक अवस्था के बाद ग्रोथ और स्तंभों में पर्याप्त अंतर जब आ जाता है, इसलिए थिनिंग क्लासिफिकेशन रूल्स पर आधारित थिंग्स रूल का उपयोग करके हम क्या करते हैं, ऑर्डिनरी थिनिंग्स करते हैं। अगला है ग्रोथ थिनिंग्स, जिसमें हम क्या करते हैं, ग्रोथ थिनिंग्स थिनिंग्स की वह विधि है जिसमें दो समान वृक्षों में से सर्वोत्तम वृक्ष के बेनिफिट्स को देखते हुए कम प्रोडक्शन देने वाले भाग को निकाल देते हैं। ओके, उसको हम ग्रोथ थिनिंग कहते हैं। और एडवांस थिनिंग में हम एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम थिनिंग्स करते हैं। ओके, सो आई होप हो गया होगा आपका टॉपिक कवर। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।